जय सेवा, जय बुरा देव। साथियों, हमारे YouTube के दर्शक बंधु, श्रोता बंधु मन एक प्रश्न करे, टीकावन और मंदावन। ये सही अर्थ में न टीकावन है न मंदावन। सही अर्थ में हमारे तरफ गोड़ धर चलो, गोड़ धर तो मड़वा के नीचे में दुल्हा और दुल्हिन जिन बने हैं उनमें अपन पुरखा के प्रथम व्यक्ति, आपके वंश के प्रथम व्यक्ति, आप कुल के प्रथम बीज, सृष्टि बीज नियन जगत नियन ये पोरते कुल के प्रथम व्यक्ति कौन जो सृष्टि में पोरते वंश चले। जैसे चना के बीज अलग है, दलहन का बीज अलग है, तिलहन का बीज अलग है, खरीफ फसल का बीज अलग, ठीक इसी तरह मरकाम, नेताम, एकाम और राम, दुर्वे, मरई, चिदैया, इनके जो घर में यदि शादी हो रहा है तो समझिए कि वो प्रथम व्यक्ति जो बीज स्वरूप से लेकर अभी वर्तमान में जो दुल्हा दुल्हिन बने हैं मड़वा के, वहां तक के जो पावर है, अदृश्य शक्ति जो शक्ति है, सलाम गांगरा जो शक्ति है, दूल्हा पेन दुल्ही पेन जो शक्ति है, बुढ़ाल पेन बूढ़ी माई जो शक्ति है, उस सारा शक्ति को पूरे समाज के बीच में मंडप के रूप में उसको दूल्हा पेन और दुल्ही पेन के नाम से, और उस दिन ढाई दिन का राजा बनाया जाता है। दूल्हा को कहते हैं ना ढाई दिन का राजा, उस दिन उसके सेवा करने वाले सब होते। तो हमारे समाज में उस दूल्हा बनने वाले और दुल्हनी बनने वाली जो पहन सकती है उसमें वो शक्ति रहती है। इसलिए 80 क्या 110 साल के भी हमारे परिवार में कोई पुरखा है, जीवित बुजुर्ग है, उस सारे समाज हमारे उसके पैर धो और उसके चरण तो ऐसा क्यों बनाया। तो एक तो हो गया, अब पीने से लोग कहेंगे चरण कैसे पियेंगे, धोए कैसे पियेंगे, ऐसा कहेंगे, वो तो मैल रहता है पैर में कैसे पियेंगे। इसलिए दूध और पानी से पिया जाए, उसको पकारा जाए। तो ये एक्चुअल में उसका इलाज है। नाखून में ठंडा पानी दूध डालने से, हल्का से दूध ठंडा डालने से, और ये चावल को ये माथा में पीछे तरफ से ऐसे दबाने से एक प्रेशर के रूप में इलाज हो, और उस इलाज होने से उस दूल्हा दुल्ही मंडप के नीचे घंटों बैठा रहे, लेकिन वो एक नंबर के लिए या दो नंबर के लिए उठ के वापस आके बैठूंगा ऐसा आज्ञा नहीं देता, क्योंकि उसका इलाज होते रहता। दूसरी बात, उस मंडप में बैल गाड़ी के जुआड़ी में उसके ऊपर पैरा बिछा करके एक फौदर करके वो नींद है उसमें बिछाने के लिए साड़ी लेते हैं, उसके ऊपर बैठाते थे दूल्हा और दुल्हन को। और बुजुर्ग कहते थे कि जिंदगी गाड़ी के जिंदगी रूपी बैलगाड़ी की तरह जिंदगी रूपी गाड़ी को
बैल के जुआड़ी में जुट कर दूल्हा और दुल्हन बनके बराबर खींचते हुए ले जाना, ये संदेश देने के लिए उसको बैल के जुआड़ी में वो जुटा जा। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में कहते अपन हाथ में घाव करेगा अपन बर बिहाव करेगा, घानी कस बिधाता चारो मुड़ा दे। यानी उस परिवार के, आपके जोड़ी के, आपके कुटुंब के, आपके समाज के व्यवस्था को, रीति रिवाज को बैल के जोड़ी की तरह जूट करके खींचते हुए ले जाने का संकल्प लेना ही ये टिकावन बदावन। और यहाँ पर परिचय भी होता है। कैसे परिचय होता है? छेरी चराएला बुकराओ आओ मोर दीदी कहाँ करे तो बुकराओ, लागत रहे चुटी डारेगा आगा मोर भैया तीनों तिल के जीती डारेगा। ऐसा जो गीत होता है उसमें परिचय सम्मेलन होता है। यदि कहेंगे भैंसी के दूध भैंसी आई नो आओ मोर दीदी गाय के दूध बड़ा मीठा, ऐसा तो वहां पर पशु पालन से खेती बाड़ी से भी आपको मिठास कौन सा है और अच्छा कौन सा है और आपको क्या करना है ये भी संदेश दिया जाता है उस गीतकार लोगों के लिए ब्याह गीत में टिकावन गीत में। और एक परिचय भी देते हैं कि छेरी चराएला वो कराओ ये दीदी कहाँ करे तो रोडो कराओ, यानी हम सबको बिना बताए पता चल जाता है कि इस साल के शादी में ये दूल्हा के शादी में हमारी दीदी आए भटवा नहीं आए, ऐसा इसकी व्यवस्था है। तो ये है टिकावन और बंदावन का मतलब वही है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस समय जब बर्तन नहीं बना रहा होगा तो किसमें धोते रहे होंगे, पत्ता में धोते थे। तो उस समय क्या बोलते थे, आमा पान के पत्री नीमो पान के दोना झुपत झुपता में दही मोरंग, कहाँ के वो लोटा थाली पचहर तो मोटर गाड़ी ये सब नौटंकी तो भी हो। तो ठीक है समय के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन ये आमा पान के पत्री नीमो पान के दोना, आमा जो है आम जो है मीठा होता है और मीठा मीठा आपका जुबान होगा, मीठा आपका व्यवहार होगा, मीठा आपका मित्रता होगा, तो आप समझिए कि आप पत्री की तरह वो जुड़ जुड़ के ऐसे फैलते जाएंगे, बड़ा होगा पत्री फैलते जाता है। ये संदेश है। और करेला पान के दोना, यानी करू करू बोलवे तते एक जन रवे से दोना छोटे हो जाते, है ना। तो ये है यहाँ पर व्यवहार की बात को यहाँ पर बताया गया है कि आपको कैसे ये टिकावन मनावन में ऐसा है। और दूसरी बात, विदा के समय गुड़ पानी पिलाना बहन को, तो क्या है उस समय दुल्हन रोआने का पता था, जो दुल्हन रोती नहीं थी ससुराल जाने के लिए जाते समय रोती नहीं थी रोना के समय, तो लोग उसको हंसते थे ये साधारी से जाए बर ससुराल जाए बर दिक्कत रोवत नहीं है इसे करके, तो वो नौटंकी रोने का एक पढ़ पढ़ के रोने का मतलब है, जैसे किसी तेरे को कोई तकलीफ है तो किसी पड़ोसी को बताना है तो चिल्लाने का आवश्यकता नहीं है, तुम रो रो के पढ़ पढ़ के रो पढ़ पढ़ के रो तो सब जान जाएंगे कि एकर ससुराल में एकर मायके में फलाना मर गए वो तभी रोवते होकर भाई मर गए पर दाई मर गए ऐसा। तो ये रोला दुल्हन रोलाने का मतलब है कि तुमको किसी भी प्रकार की कष्ट होगी तो आप इस तरीके से अपनी मतलब विचार को व्यक्त करना, जैसे अब भाई को दाई को छोड़ के जा रहे हैं तो भाई यहाँ सदा दिन इस आंगन में खेली है और उस आंगन में जा रहे हो तो भाई बोलता है कि तुम लड़ाई की हो मेरे साथ भिड़ाई की हो जो भी की हो
ससुराल जा रहे हो तो मीठा मीठा बोलना, तुम्हारे जुबान मीठा होना है, ऐसे करके वो गुड़ पानी पिलाते हैं। दूसरी बात, रोंडी के कारण गर्मी के दिन में विदा होता है तो रोते रोते वो बहुत सारे ऊर्जा समाप्त तो हो जा रहती है, तो उसके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए गुड़ पानी भी पिया जाता है। ऐसा गुड़ पानी का है, ठीक है। गुड़ा देव की जय।